हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और उन देशों में कई धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पर मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं है, या इन देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई नजर नहीं आएगा। और दूसरी तरफ दुनिया में वो देश भी है जहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं और इन देशों में अन्य दूसरे धर्मों को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन देशों के बारे में और सैर कराएंगे उन देशों की जहां पर आपको मुसलमान नजर नहीं आएंगे। जी हां, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यहां पर ना के बराबर है। मस्जिद बनाने का अधिकार यहां पर किसी को नहीं है। यहां की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है जब बात मस्जिद बनाने की आती है। तो चलिए दोस्तों, आपको सैर कराते हैं उन देशों की जहां पर आपको इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ना के बराबर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, दुनिया में सबसे छोटे देश जिसका नाम है वेटिकन सिटी, इस देश में मुसलमान आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ आपको बता दें कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा, सबसे खूबसूरत, साथ ही बैक वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस और पोप का देश है। यहाँ आपको एक भी मुसलमान देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पोप है। ये दुनिया के फैले 1.2 अरब ईसाइयों का धर्म गुरु होता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस देश में पोप का शासन होता है वहाँ मुसलमान व्यक्ति नहीं रह सकता। सही मायने में देखें तो ये देश आपके मोहल्ले से भी ज्यादा छोटा होगा। ये देश केवल 44 हेक्टेयर के क्षेत्र में बसा है। साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार वेटिकन सिटी में वर्तमान में 453 लोग रहते हैं, जबकि 372 लोग विदेशों में है। इस देश की अपनी कोई सेना नहीं है दोस्तों, ये देश इटली की राजधानी रोम में ही है। इसलिए जब इस देश की रक्षा करने की बात आती है तो ये काम इटली की सेना स्विस गार्ड करती है। बताया जाता है कि कई साल पहले वेटिकन सिटी की रक्षा करने के लिए पोप ने स्विस मिशनरी को तैयार किया था। दोस्तों, वेटिकन सिटी के दुनिया के सभी देशों के साथ राजनयिक संबंध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी अन्य धर्म के लोग वेटिकन सिटी में नहीं रह सकते और न ही कोई धार्मिक स्थल बना सकते हैं। दोस्तों, वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल भले ही बहुत कम हो लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, यहाँ की अपनी करेंसी भी है और यहाँ पर इटली की करेंसी भी स्वीकार की जाती है। इटली में भी यहाँ की करेंसी स्वीकार कर ली जाती है। वेटिकन सिटी के पास अपना रेडियो स्टेशन और डाक विभाग भी है। वेटिकन सिटी के पास अपना झंडा भी है। दोस्तों, वेटिकन सिटी के पास सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी है। इसके साथ ही ये देश अपने देश की जनता के लिए पासपोर्ट भी जारी करता है। यहाँ पर भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों की तरह लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। यहाँ पर चुनाव नहीं होते, जहाँ राजशाही व्यवस्था है जिसका राजा कैथोलिक चर्च का पोप ही होता है। यानी कि यहाँ की जनता के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पोप द्वारा लिए जाते हैं। 1871 तक इटली कई राज्यों में बटा हुआ था। इसके बड़े हिस्से पर पोप का शासन था और ऐसे में जब इटली एकीकृत देश बना तो पोप की शक्तियां भी कम हो गई। पोप की सत्ता वेटिकन सिटी तक सीमित रह गई और इसके बाद 11 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी के पोप पाइस और तानाशाह मुसोलिनी के बीच एक संधि हुई। इसके तहत ये फैसला लिया गया कि इटली के किसी भी राजनीतिक फैसले में पोप शामिल नहीं होंगे। बदले में वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा मिला और इसके बाद वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश बन गया। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है दोस्तों जो रात में पूरी तरह बंद हो जाता है। इस देश को लेकर शुरुआत में कई तरह की बातें भी उठती थी, जिसमें कहा जाता था कि यहाँ के फौजी शादी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्विस गार्ड को शादी करने और परिवार बसाने की अनुमति होती है। दोस्तों, वेटिकन सिटी के अलावा ऐसे और भी कई देश हैं जहाँ मुस्लिम आबादी नहीं रहती। इसी के साथ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, दुनिया में ये देश उन देशों की लिस्ट में शुमार है जहाँ पर मुस्लिम आबादी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के बनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लागू है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, क्या साउथ कोरिया में कोई मुसलमान है? बीबीसी के मुताबिक उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब थी, जो कि अब घटकर शून्य रह गई है। इस देश के मुसलमान या तो नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कहीं बाहर चले गए या फिर उन्हें मार दिया गया। नॉर्थ कोरिया में भी एक मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान की एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया के किसी भी इंसान के दाखिल होने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस देश के लीडर किम जोंग नास्तिकता में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार करते पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत मिलेगी। इनमें एक देश है टोकेलाओ,
एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम आबादी नहीं दिखेगी। इस देश में एक भी मस्जिद या मदरसा मौजूद नहीं है। यहां पर मुसलमानों की आबादी शून्य के करीब है। इस देश को दुनिया के सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। टोकेलाओ देश एक छोटे से आइलैंड पर बसा हुआ है और यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 1500 के करीब है। वेटिकन सिटी की तरह इस देश में भी मुसलमानों के रहने और बसने की पूरी तरह से पाबंदी है। टोकेलाओ एक ईसाई बाहुल्य देश है जहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड भी उन्हीं देशों में से एक है जहाँ मुसलमान नहीं मिलेगा। इस देश में 900 से अधिक द्वीप मौजूद हैं दोस्तों। सोलोमन आइलैंड की आबादी 7 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 70 से भी कम है। इतिहासकारों के मुताबिक ये 700 वही मुसलमान हैं जिन्हें 1995 में तबलीगी जमात में इस्लाम कबूल करवाया गया था। आज इस देश में खुलेआम इस्लाम के प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सोलोमन आइलैंड में एक छोटी सी मस्जिद मौजूद है जिसे भी गिराने के लिए आए दिन आंदोलन रहते हैं। देश के ज्यादातर मुसलमान इस आइलैंड को छोड़कर दूसरे देश में बस चुके हैं। इन सब के अलावा एस्टोनिया, ग्रीनलैंड, मोनेको जैसे कई देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी शून्य के बराबर है। मुसलमान आज भी इन देशों में अपनी मजहबी पहचान पाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें वीडियो में जरूर बताइएगा। दोस्तों इन्हीं देशों में से एक नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों का निर्माण नहीं कर सकते। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से अधिक मस्जिदें मौजूद थी जिन्हें खिलाफते उस्मानिया के खत्म होने के बाद खंडरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 सालों तक हुकूमत की थी। ये कई सौ सालों तक खिलाफते उस्मानिया का हिस्सा रहे, लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ पर एक भी मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलता दोस्तों। मुसलमानों की हुकूमत के दौरान स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमान पर था। स्लोवाकिया में पहला अस्पताल मुस्लिम शासकों द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया, लेकिन आज उसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के बसने पर पूरी तरह से पाबंदी है ना, कितनी हैरान करने वाली बात। आई होप दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को आपने शायद पहली बार जाना होगा। हो सकता है इन देशों के बारे में भी आपने पहली बार जाना हो, लेकिन ये बात सच है। लेकिन जिन देशों के बारे में हमने आपको बताया, जब भी आप वहाँ एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इन देशों में नजर नहीं आ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो में की गई हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।